बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम जनाब अहसन इकबाल साहब, मिनिस्टर प्लानिंग, काबिल एहतराम एडवाइज़र्स, स्पेशल असिस्टेंट्स, मेम्बरान कौमी असम्बली और तलबा तालिबात और हमारे ऑनरेबल टीचर्स, प्रोफेसर्स, वाइस चांसलर्स, ख़वातीन वज़रात, अस्सलाम वालेकुम। आज जनाब अहसन इकबाल साहब ने ये यूथ प्रोग्राम लॉन्च करके, तो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी पाकिस्तानी कौम की खिदमत का दोबारा आगाज़ किया है, क्योंकि जिस तरह बताया गया कि हमारी जो आबादी है उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा नौजवान नस्ल पर मुश्तमिल है। ये हकीकत है कि ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का ही दौर था जब इस मुल्क के अंदर नौजवान नस्ल के लिए, हमारे बच्चों और बच्चियों के लिए बहुत ही शानदार प्रोग्राम तरतीब दिए गए मियां मोहम्मद नवाज चौधरी साहब की सरबराही में, और बड़ी कामयाबी से उन प्रोग्राम्स की तकमील की गई। उसमें एक प्रोग्राम था जिसका नाम पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड था, और इस प्रोग्राम की शानदार बात ये थी कि सिर्फ 7-8 सालों में तकरीबन 20 अरब रुपए के तालीमी वज़ाइफ सिर्फ पंजाब के बच्चों और बच्चियों को नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान के बच्चों और बच्चियों को, जो हाई अचीवर्स थे लेकिन उनकी जो फाइनेंशियल बैकग्राउंड जो थी वो इस बात की मुतहम्मल नहीं हो सकती थी कि वो तालीम को जारी रख सकें। हज़ारों बच्चे और बच्चियाँ ऐसी थीं जिनके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे, वो इस दुनिया से रुखसत हो गए थे, उनके सरों पर कोई दस्ते शफकत देने वाला नहीं था। उनको इस पंजाब एजुकेशन एंडोमेंट फंड ने एक छतरी का काम दिया और वालिद और वालिदा का काम दिया। इसी तरीके से पंजाब स्किल्स डेवलपमेंट प्रोग्राम था जिसने हज़ारों बच्चों और बच्चियों को यानी तकनीकी तालीम दी, चाहे वो होटलरिंग थी, चाहे वो अपना कढ़ाई की वो काम था, चाहे वो एक आर्टिस्ट थे, चाहे वो मोटर मैकेनिक थे। और ये प्रोग्राम उसने बहुत से लाखों हज़ारों घरानों को उन्होंने एम्पावर किया। इसी तरीके से एक बहुत शानदार प्रोग्राम था लैपटॉप्स प्रोग्राम, जिसको छू लो आसमान के नाम से आज भी लोग याद करते हैं, और उसी ज़माने में इस प्रोग्राम को बहुत तनकीद का निशाना बनाया गया और ये कहा गया कि ये नौजवान बच्चों और बच्चियों को रिश्वत दी जा रही है, खुदा न खास्ता। आज आप माजी में आप झांकें तो आपको अच्छी तरह अंदाज़ा होगा कि इस प्रोग्राम के ज़रिए लाखों बच्चे और बच्चियां आज अपने एक बड़े एक बावकार तरीके से वो रिमोट लिंक के ज़रिए अपने रोज़गार कमा रहे हैं, कोई प्रोग्राम बना रहे हैं, कई फ्रीलांसर्स हैं, और इस तरह एक शऊर आया माशरे में। तो मैंने उसको कहा था कि मैं इनको लैपटॉप ना दूँ तो क्या इनके हाथों में मैं क्लाशनकोव दूँ उनको, जिसके ऊपर बहुत शोर मचाया गया। कहने का मकसद ये है मेरे नौजवान बच्चों और बच्चियों कि अगर लैपटॉप ना देते तो क्या इनके हाथों में बंदूक देते, खुदा ना खास्ता। मगर मुझे कहने दीजिए कि बड़े अफसोस की बात है कि आज वही हमारी जो नौजवान नस्ल है उनको एक ऐसी तरफ ले जाने की कोशिश की जा रही है जो अल्टीमेटली नाकाम होगी। इंशाअल्लाह के माशरे में किस तरीके से जहर घोला जा रहा है, माशरे में किस तरह एक तकसीम की जा रही है, ये बड़े अफसोसनाक बात है। आप लैपटॉप्स हमने दिए, आप उससे बेहतर प्रोग्राम लेके आते, आप अपने 4 सालों में आप दोगुनी रकम आप इस्तेमाल करके इन्हीं बच्चों को आप बाहर की यूनिवर्सिटी में भिजवाते हैं जो हाई अचीवर्स हैं। हमने अपने ज़माने में चाइना में 600 स्टूडेंट भिजवाए सिर्फ मैंड्रिन चाइनीज़ ज़ुबान सीखने के लिए, जिसके ऊपर हमने करोड़ों रुपए खर्च किए। तुर्की हमने भिजवाए ताकि बीजिंग और इस्लामाबाद का पुल बन जाए ज़ुबान के ज़रिए, अनकरा और अपना इस्लामाबाद का पुल बन जाए ज़ुबान सीखने के ज़रिए। वो आज बच्चे जब वहाँ से ज़ुबान सीख के आए हैं तो मेरे इल्म में है कि सीपैक के तहत वो सैकड़ों बच्चे जो हैं आज वो इंटरप्रेटर्स हैं या वो ट्रांसलेट करते हैं और बहुत शानदार वो काम अंजाम दे रहे हैं। इसी तरीके से जो नौजवान बच्चों और बच्चियों के लिए हमने रोज़गार स्कीम का प्लान बनाया था और ये गाड़ियाँ जो रावी और एक और गब्ज़ का नाम था, रावी और दूसरी गाड़ी कौन सी है इनकी जो ये बनाते हैं मुलान, 50,000 नहीं बल्कि 75,000 गाड़ियाँ हमने बच्चों को मेरिट पर दी, मेरिट पर। फिर एक जेवरे तालीम प्रोग्राम था जनूबी पंजाब के लिए कि बच्चियाँ गुर्बत की वजह से उनके माँ उनको स्कूलों से बाहर न ले जाएं, तो 6ठी क्लास के बाद जो बच्चियाँ स्कूल में तालीम हासिल करती थी उनको हमने जो वजीफ़ा था वो 200 रुपये से 1000 रुपये कर दिया। ये वो इनिशिएटिव्स थे जो इस मुल्क के अंदर तालीम को फ़रोग देने के लिए अपनी कौम की बेटियों और बेटों को उनको तालीम के जेवर से आरास्ता परास्ता करने के लिए ये प्रोग्राम्स हमने बनाए थे जिसके ऊपर अरबों रुपए खर्च किए गए। अल्हम्दुलिल्लाह उसका बेपनाह इस माशरे को फ़ायदा पहुंचा, हमारी जो इकॉनमी है उसको फ़ायदा पहुंचा। आज इस प्रोग्राम को दूसरे एक अंदाज में, चाहे वो 20,000 वो इंटर्नशिप्स हैं, चाहे वो जो 20 जो अंडर डेवलप्ड जो हमारे इजला हैं उनकी ट्रांसफॉर्मेशन के लिए, फिर जो 250 मिनी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, पाकिस्तान इनोवेशन फंड, नेशनल टॉप टैलेंट स्कॉलरशिप। मैं अहसन इकबाल साहब ये अर्ज़ करूँगा, इसमें कोई शक नहीं कि मखलूत हुकूमत को आते ही जिसे कहते हैं कि सर मुड़ाते ओले पड़े, पहले इस हचकोले खाती हुई हमारी जो माशी जो कश्ती थी उसको हमने डिफ़ॉल्ट होने से हमने बचा लिया। अल्लाह ताला के फजल करम से बेपनाह हमें उस काविशें करनी पड़ी, बड़े पापड़ हमें पेलने पड़े। उसके बाद फिर जो कुदरती आफत फ्लड जो आए उसने बेपनाह पाकिस्तान की मईशत को नुकसान पहुँचाया। इस वक्त 66 आज सुबह मैंने मीटिंग ली, 66 अरब रुपए हम तकसीम कर चुके हैं उन मुतासरा घरानों को जो कि सैलाब की जद में आए। और बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के ज़रिए बिस्प जो कि एक बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है, एक बड़ी अच्छी ये व्हीकल है, ये वफाक ने फंड दिए हैं। इसी तरीके से अरबों रुपए हमने ये खुराक और पानी, पीने का पानी, अद्वियात और ये ब्लैंकेट्स और ये रज़ाइयाँ, ये तंबू खैमे, ये मॉस्किटो जो किट्स हैं, ये हम अरबों रुपए की ये ख़रीदी हमने और उन सूबों में उन अजला में हमने तकसीम की। अब सर्दी आ रही है और विंटर टेंट्स जो हैं वो बहुत महंगे होते हैं। हमारे दोस्त ममालिक ने बेपनाह हमारा साथ दिया है, जिनमें चाइना है, सऊदी अरेबिया है, यूएई है, कतर है और दूसरे तुर्की की बेशुमार ट्रेन्स आई हैं और बाई सी भी बाई एयर ब्रिज बनाए गए। तो बेशुमार हमारे दोस्त ममालिक ने और दूसरे जो हमारे ममालिक हैं जिसमें अमेरिका है, बरतानिया है और यूरोप की यूरोपियन यूनियन है, इन सब ने हमें कंट्रीब्यूट किया है। लेकिन ये नुकसान ये इतना ज़्यादा है कि हमारी जो डिमांड और हमारी जो इस वक्त इनफ्लोज हैं उसमें बहुत बड़ा गैप है। तो उसके लिए हम ये जो फेडरल फंड जो हैं उनको इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ताला चाहेगा, इस मुल्क को अल्लाह ताला ने बड़ी जला बख्शी है, बड़े वसाइल अता किए हैं। ये तो बदकिस्मती है कि हमने 75 साल हमने इन वसाइल को इस्तेमाल न किया और अपना हक ना अदा किया। लेकिन इंशाअल्लाह इससे हम फारग होंगे तो ये प्रोग्राम जो हैं इनको और हम स्पीड से आगे बढ़ाएंगे। और इंशाल्लाह मैं अहसन इकबाल साहब को ये गुजारिश करूँगा कि मेहरबानी करके आप बैठें और यूथ के लिए हम मज़ीद क्या कर सकते हैं उसके लिए हम तैयारी करें। जिस तरह आपने वो 75 स्कॉलरशिप्स ये रखे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से हमने उस ज़माने में पंजाब में जो हमारे जो हाई अचीवर्स थे पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम के लिए हम बाहर की यूनिवर्सिटियों में उनको वजीफ़ा देते थे, उन स्टूडेंट्स को जाके पूरी गवर्नमेंट पंजाब की उनका ख़र्चा अदा करती थी। इसी लेवल पर इसी तरीके से आप इस प्रोग्राम को इसको बढ़ाएं क्योंकि ये बहुत अच्छे प्रोग्राम हैं। बट इट इज़ जस्ट ड्रॉप इन द ओशन, आई मस्ट से इट इज़ जस्ट ड्रॉप इन द ओशन। इसको हमें आगे बढ़ाना होगा क्योंकि इसी में हमारी बका है, इसी में पाकिस्तान की तरक्की का राज पनाह है। तो मैं आपको इसके ऊपर बहुत मुबारकबाद पेश करना चाहता हूं और आपको ये गुजारिश करूंगा कि आप मेरे साथ बैठें और इस प्रोग्राम को हम कितनी स्पीड से आगे बढ़ा सकते हैं और पूरे पाकिस्तान में इसको हम किस तरह फैला सकते हैं वो हम टूल्स इख्तियार करें। उसके लिए फंडिंग के लिए अब नए फाइनेंस मिनिस्टर आ गए हैं तो उनको भी हम नज़ेमत देंगे कि अपनी वो जेब को ज़रा थोड़ा सा उसमें वसअत दें और पैसे निकालें ताकि यूथ के ऊपर हम खर्च करें। और एंड इट्स नॉट टू, कितने अफसोस की बात है कि वो लफ्ज़ भी मैं मुंह पे लाऊं तो शर्म आती है कि जनाब हम लैपटॉप्स के ज़रिए यूथ को हम रिश्वत दे रहे हैं। कितने अफसोस की बात है, कितने दुख की बात है। आपने अपने सूबों में क्या किया, यूथ को आपने किस तरह आपने एम्पावर किया, मुझे बता दें। आप पर कितनों को आपने वज़ाइफ दिए कि वह दुनिया की यूनिवर्सिटियों में आला तालीम हासिल करें, कितनों को आपने यतीम और बच्चों के लिए आपने जो दानिश स्कूल बनाए जहाँ पर उनके दानिश स्कूल में वो बच्चे हैं ना जिनके वालिद भी इस दुनिया से कूच कर गए, वालदा भी इस दुनिया में कूच कर गई। दानिश स्कूल उनके लिए एक छतरी है, उनके वालिद और वालदा की छतरी है उनके लिए, जो कि इस दुनिया में नहीं मौजूद। मुझे याद अच्छी तरह एक बच्ची जिसका नाम आयशा था, शायद वो रहीम यार खान की या शायद जी मेरे ख्याल रहीम यार खान के दानिश स्कूल में मैं उनको मिला तो वो उसके आंखों में आंसू थे। उसने कहा कि ख़ादमे आला मैं अकेली बच्ची हूँ, यतीम बच्ची हूँ। मेरे वालिद इस दुनिया से चले गए, मेरी वालदा थी तो मैंने कहा चलो वालदा का सहारा है। एक दिन मैं स्कूल में पढ़ी थी, पता नहीं 3री क्लास में या 4थी क्लास में, तो मेरे पास फ़ौरन मेरी टीचर आई कि चलो आयशा जाना अस्पताल जाना, खैर तो है। उसने कहा कि तुम्हारी वालदा की तबीयत ठीक नहीं, कहने की मैं ख़ादमे आला मैं अस्पताल गई तो अस्पताल में पहुंची तो मेरी वालदा दम तोड़ चुकी थी और मैं यतीम थी, मेरा कोई और सहारा नहीं था। ज़िंदगी के अंधे थपेड़ों के हवाले मुझे इस निज़ाम ने कर दिया था। आज इस दानिश स्कूल में और मैं अपनी वालदा को और वालिद को कहा करती थी कि मैं जब बड़ी होंगी तो मैं डॉक्टर बनूंगी। तो आज मैं जब इस डॉर्मेटरी में जो बड़ी शानदार डॉर्मेटरीज बनाई हमने, वहाँ पर जब मैं रात को बिस्तर पर लेटती हूँ तो मैं अपनी ख्यालों में अपने वालिद और वालदा से बात करती हूँ और उनको कहती हूँ कि फ़िक्र न करना, मैं डॉक्टर बनूँगी। तो ये है तरीका ज़िंदगी बसर करने का, ये है कौमों को तैयार करने का और कौम को बनाने का। और कोई तरीका नहीं है, ना गाली ना गलोच ना बंदूक ना नाली, सिर्फ और सिर्फ तालीम का जेवर, आला जो वैल्यूज़ हैं उनको प्रमोट करना और तहम्मुल और बर्दाश्त को प्रमोट करना, ना कि दिन रात चोर और डाकू का लोगों को सर्टिफिकेट देना। मैं यहाँ पर सियासी बात नहीं करना चाहता, वो सियासी प्लेटफॉर्म पे करूँगा। बस ये कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने हम पे इल्ज़ामात लगाए, हमें अदालतों में घसीटा, बेटियों को, बहनों को और माओं को, ये कहाँ का इंसाफ था कि बग़ैर किसी सबूत के आप अब अहसन इकबाल को देखें, इन्होंने बनाई यूनिवर्सिटी अपने वहाँ पे या स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, इनको जेल भिजवा दिया और इनको आला अदालत ने इनको अब एक बाकायदा अपना इनको सर्टिफिकेट दिया है अल्हम्दुलिल्लाह ईमानदारी का, और हमें सब इसके ऊपर फख्र। मैं अपनी ज़ात की बात नहीं करता, नेशनल जो क्राइम एजेंसी है बरतानिया की, इससे ज़्यादा एक दुनिया का यानी नामवर और जिसकी रेपुटेशन इदारा कौन होगा, उनको सारे कागजात भिजवाए, सारे कागजात, मनी लॉन्ड्रिंग, ना जाने क्या क्या। मुझे अफसोस आता है कि मुझे ये वक्त मैं अपना खर्च कर रहा हूँ बताने के लिए, उस एजेंसी को भिजवाए जो दुनिया में जिसका नाम है। 2 साल उन्होंने इंक्वायरी की, क्या मिला? मगर आपने चोर डाकू का सर्टिफिकेट दिन रात आप बांटते रहे। खुदारा इस कौम पर रहम करें, इस कौम के हाल पर रहम करें। आएँ ये प्रोग्राम्स कौम को हम इससे मुतारफ़ करवाएँ, लाखों करोड़ों बच्चों और बच्चियों को ये प्रोग्राम दें, इनके हाथ में लैपटॉप दें, इनके हाथों में आप आला किताबें दें, इनके हाथों में मॉडर्न टेक्नोलॉजी दें, इनको आईटी स्कॉलर्स बनाएं, इनको डिप्लोमा सर्टिफिकेट दें, हज़ारों नहीं लाखों नहीं करोड़ों बच्चों और बच्चियों को। फिर ये कौम इंशाअल्लाह आगे तरक्की करेगी। अगर आप ये काम करते तो मैं आपको आपकी सताइश करता, आपको शाबाश देता। आपने इस कौम का हशर नशर कर दिया है, इस कौम के अंदर इतनी तकसीम कर दी है कि जिसका हद व हिसाब नहीं। कौमें इस तरह नहीं बनती। मैं हाथ नहीं मिलाना चाहता, 4 साल तो हाथ नहीं मिलाया, अब आप कहते हैं हमसे आके बात करें। ये दोगलापन ये कब तक चलेगा ये? लेकिन फॉर द नेशनल इंटरेस्ट हम उसके लिए तैयार होंगे। मैं यहाँ पर कोई तफसील में नहीं जा रहा, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो कौमी जो इंटरेस्ट है, नेशनल इंटरेस्ट है, उसको हमने सामने रखना है। उसके लिए मैं हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। मैंने जिस तरह और नवाज़ शरीफ ने जिस तरह और मखलूत हुकूमत के तमाम ज़ोमा ने अपना कैपिटल जो पॉलिटिकल कैपिटल झोंक दिया पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट से बचाने के लिए, रियासत को बचाने के लिए। सियासत को मैं एक दफ़ा नहीं करोड़ मरतबा पाकिस्तान की अजमत के लिए कुर्बान करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये कोई तरीका नहीं कि आप मैं हूँ तो सब कुछ है, मैं नहीं तो कुछ नहीं। इस तरह कौमें नहीं बनती, इस तरह मुल्क नहीं बनते, इस तरह निज़ाम नहीं चलता। मेरी इतनी गुजारिश है कि आज जो चैलेंजेस हैं उसका हम सामना करें। आज सबसे बड़ा चैलेंज जो है हमारी यूथ का है, हमारी नौजवान नस्ल का है। ये चैलेंज भी है और उसमें अपॉर्चुनिटी भी है। वो चीनी कहावत है, देयर इज़ ऑलवेज एन अपॉर्चुनिटी इन एवरी चैलेंज। तो इस चैलेंज को हम कुशादा दिली से बड़े दिल के साथ कबूल करें। उसके लिए इंशाअल्लाह जो वसाइल हैं, मेरा ये ईमान है। मैंने अभी चंद दिन पहले मैं गया था यहाँ पे कजाकिस्तान, तो वहाँ पर उज़्बेकिस्तान के जो सदर हैं जनाब मिर्ज़ियोव, उनको मैंने जब मैं सी ऑफ करने आ रहे थे तो मैंने उनका कि हम कनेक्टिविटी करते हैं सेंट्रल एशिया की वाया अफ़गानिस्तान पाकिस्तान के साथ, जिसमें रेलवे की कनेक्टिविटी है, जिसमें गैस की कनेक्टिविटी है, पाइपलाइन बिछाएँ। बहुत बड़े इट्स अ वेरी बिग विजन। और फिर दुनिया में द लॉन्गेस्ट जर्नी वॉज स्टार्टेड फ्रॉम द फर्स्ट स्टेप। उसके लिए फर्स्ट स्टेप तो हम लें। बातें हमने की, वक्त ज़ाया किया, लेक्चर दिए, भाषण दिए, अमल हमारा दामन अमल से खाली है बिल्कुल। तो उनको मैंने कहा ये हम करें, मिल के करें, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला वसाइल पैदा करेगा। तो उनको मैंने कहा कि बहुत अरसे पहले जब मैं गरीबुल वतनी में था तो एक दिन मैं बैठा हुआ था, मैं शेर की आमद तो मुझे नहीं होती, अलबत्ता इकबाल के शेर जो हैं उनसे मैं बहुत यकीन रखता हूँ, बड़ा दिलदादा हूँ। तो मैंने एक दफ़ा कहा कि पाकिस्तान के अंदर वसाइल किस तरह पैदा होंगे, तो मैंने उनका कि मुझे एकदम वहाँ पे ख़्याल आया कि रिसोर्स ऑलवेज़ follow commitment, dedication and vision, and it is not the other way around. और इसका मैंने तर्जमा जब मैं एक दफ़ा 2009-10 में दुबई गया तो इसका मैंने वहाँ उनको बताया, मैंने कहा ये रमल रेत, आपने सोच, विजन, डेडिकेशन आपने की, ये रमल सोना बन गया। तो मैंने कहा ये है कि रिसोर्स ऑलवेज फॉलो विजन, कमिटमेंट एंड हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, पर्पस, एंड इट इज़ नॉट द अदर वे राउंड। अगर ये विजन नहीं होगा, तड़प नहीं होगी, आप कावश नहीं करेंगे, पसीना नहीं बहाएंगे, मेहनत नहीं करेंगे, तो सोना भी रमल बन जाएगा। ये फितरत का निज़ाम है, ये ना नूरी है ना नारी है, ये फितरत का निज़ाम है। तो इसलिए आज अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को कितने ख़जाने दिए, आप रेकोडिक को ले लें, एक दहली की कमाई नहीं की और अरबों रुपए हम ज़ाया कर चुके हैं। इसी तरह आप ये नीलम झेलम को ले लें, 20 साल बाद ये मंसूबा नवाज शरीफ के ज़माने में मुकम्मल हुआ, रिंगता हुआ, जो कि 800 मिलियन डॉलर से शुरू हुआ और 5 अरब डॉलर पर पहुंच गया। तो फिर हमने कशकोल नहीं लेना तो हाथ में और क्या लेना है? बताइए कि कौम को मजबूर कर दिया गया मांगने के ऊपर। जिस मुल्क को अल्लाह ताला ने इतने वसाइल दिए हों तो उसको पर हम बजाय उसको कि हम कौम की गुर्बत और बेरोज़गारी को ख़त्म करने के लिए हम उसको ज़ाया कर दें और ज़ाती मफादात के लिए जो भी है, और अरबों रुपए हम जो वकला हैं उनकी फ़ीसों के लिए हम उनको ख़र्च कर दें और जाके लंदन और पेरिस की अदालतों में हम जो तावान है या पेनल्टीज़ वो अदा करें, तो पर ये कौम किस तरह अपने पाँव पे खड़ी होगी? आज अगर ये तूफ़ान आया है या आज अगर फ्लड्स आए हैं तो उसके लिए हम जगह जगह जाकर हम अपील कर रहे हैं। यकीनन जब बुरा वक्त आता है तो अगर दोस्त साथी जो अपने मदद देते हैं तो वो ये एक निज़ाम है, लेकिन पाकिस्तान को उसके पाँव पे खड़ा करने के लिए और जिस मकसद के लिए पाकिस्तान मार्ज वजूद में आया था, जिस मकसद के लिए हज़रत कायद आज़म ने एक अजीम तहरीक चलाई थी कि न सिर्फ आलम इस्लाम में बल्कि दुनिया में पाकिस्तान अपने अजमत के झंडे गाड़ेगा, वो ख्वाब आज कहाँ गया? आज मैं समझता हूँ कि वो लाखों लोग जिन्होंने पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ दी हैं उनकी रूहें आज कब्रों में तड़प रही होंगी कि ये वो पाकिस्तान नहीं जिसके लिए हमने अपनी जान दी थी, हमने खून का नजराना पेश किया था। तो मैं आज अपने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम से अमूमी तौर पर और ख़ुसूसी तौर पर अपनी नौजवान नस्ल से मैं गुजारिश करूँगा कि खुदारा आपको अल्लाह ताला ने बहुत काबिल बनाया, बड़ा काबिल जहन दिए हैं आपको। गुर्बत का जहानत से कोई ताल्लुक़ नहीं, काबिलियत का गुर्बत से कोई ताल्लुक़ नहीं, ये खुदादात चीज़ है और उसको आप मेहनत का अंसर उसमें शामिल कर दें तो फिर सोना बन जाता है। मैं उनसे गोश गुज़ार हूँ अपनी नौजवान नस्ल से कि खुदारा आप फैसला करें कि वो फैसला है कि लैपटॉप अगर देना बेहतर था या आपके हाथ में खुदा न खास्ता ये क्लाशनकोफ देना बेहतर था, और जिन्होंने ये सबक दिया क्या वो हैं इस मुल्क को लीड कर सकते हैं? या वो लोग, मैं अपनी बात नहीं करता, वो लोग जो दिलो जान से पाकिस्तान को हर चीज़ झोंक कर पाकिस्तान को एक अजीम मुल्क बनाना चाहते हैं और आसमानों को छूना चाहते हैं। बस यही वो नुक्ता है जिसको अगर हम अच्छी तरह बारीक बिनी से देख लेंगे तो फिर हर चीज़ का हमें जवाब मिल जाएगा इंशाअल्लाह। इसलिए मैं इस बात पर अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आप सबको एक दफ़ा फिर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हुए कि मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है, मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है, मुसाफिर शब को उठता है जो जाना दूर होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद।